ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। ए वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। ए वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज को सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी जेई, इन सारी एग्जाम की तैयारी करना आप चाहते हो तो आप एसएससी कैटेगरी में जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। अगर आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हो, सीएचएसएल को, एसएससी एमटीएस वगैरह को, इन सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो एसएससी कैटेगरी में जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप RK11 रेफरल कोड का यूज करोगे। बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मी। सो व्हेन यू यूज दिस कोड यू विल गेट ऑल द एडवांटेज ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई है, एसएससी जेई एंड स्टेट एई। एसएससी जेई एंड स्टेट एई एक नई कैटेगरी बनाई गई है। आप इस नई कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेके तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। इस नई कैटेगरी में भी आप RK11 रेफरल कोड से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितनी भी पुराने वीडियो हैं वो भी आपको मिलती हैं, और साथ ही साथ जो नए बैचेज होंगे उनकी वीडियो भी आप देख सकते हो। आपको लाइव क्लासेज मिलती हैं, क्रैश कोर्स मिलता है, प्रैक्टिस बैचेज, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेज मिलते हैं, वीकली टेस्ट होता है, हर 3 दिन के बाद डाउट सॉल्विंग क्लास होती है, समझाने का काम इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, आवाज के थ्रू बोल करके आप डाउट पूछ सकते हो टीचर से प्लस पे। और अगर मैं एसएससी की फीस की बात करूं तो फीस 2 साल की 7800 है और 1 साल की 6500 है। इस फीस को आप देख रहे हो, जो भी 2 साल और 1 साल की फीस है इसमें 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। कब? जब आप RK11 रेफरल कोड यूज करोगे तब। सो यूज दिस रेफरल कोड RK11, गेट द डिस्काउंट ऑफ 10% एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप 2 साल या 1 साल का इस सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट इफेक्टिव होती, इकोनॉमिकल होता है। और अगर आप नई कैटेगरी जो टेक्निकल के लिए बनाई गई उसमें जाके सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। आपको क्या करना है, आपको RK11 रेफरल कोड का यूज करना है, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%। साथ ही साथ अगर मैं फीस की बात करूँ तो जो 2 साल की फीस है वह 10,800 और 1 साल की फीस है 9,000। 1 साल की फीस है 9,000, 2 साल की फीस है 10,800। इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा जब आप RK11 रेफरल कोड का यूज करेंगे। तो हम मांगेगा कि व्हाट इज रेफरल कोड, यू कैन यूज RK11। साथ ही साथ अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च करना है राजकुमार सिंह 730, बिना किसी स्पेस के सर्च करना है आपको, तो मेरी प्रोफाइल मिलेगी आपको। मेरी प्रोफाइल खुलेगी तो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, आप मेरी स्पेशल क्लासेज देख सकते हो, और आप मुझे डेडिकेशन वगैरह देना चाहो तो डेडिकेशन वगैरह दे सकते हो, ठीक है। यह है यूजर आईडी मेरी। साथ ही साथ अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे को होता है 12 बजे, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो इनवाइट कोड RK11 के थ्रू। ये इसमें ढेर सारे प्राइज आपको मिलेंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन आता है, 50 मिनट का टाइम मिलता है आपको, ठीक है। मेगा कॉम्बैट है आपका 22 अगस्त को, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें 1,000 लकी विनर्स को प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। चलिए शुरू करें कहानी। कहानी शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल टर्म्स की बात करते हैं और उसके यूनिट्स की, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डाइम के बारे में। डाइम किसकी यूनिट है? डाइन इज सीजीएस यूनिट। यार इलेक्ट्रिकल टर्म तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन जो है फोर्स की सीजीएस यूनिट है, ठीक है। और एक डाइन में होता है 10^-5 न्यूटन। एक डाइन बराबर होता है 10^-5 न्यूटन। एक डाइन बराबर होता है 10^-5 न्यूटन, ठीक है। या यहां से देख के आप लिख सकते हो 1 न्यूटन बराबर 10^5 डाइन। उसके बाद बात आती है अर्घ की। अर्घ किसकी यूनिट है? अर्घ यूनिट है किसकी? ऊर्जा की। ERG अर्घ इज सीजीएस यूनिट ऑफ, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा की सीजीएस यूनिट है अर्ग। और एक अर्ग में कितने जूल होते हैं बताओ जरा? एक अर्ग में कितने जूल होते हैं? अगर आप एक अर्ग को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 10^-7 जूल होते हैं। भाई जूल भी तो ऊर्जा की यूनिट होती है। एक अर्ग बराबर 10^-7 जूल। जूल एसआई यूनिट होती है, अर्ग सीजीएस यूनिट होती है। या आप लिख सकते हो एक जूल बराबर 10^7 अर्ग। ठीक है, उसके बाद आता है टेस्ला किसकी यूनिट है? तो टेस्ला या जिसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। ये एसआई यूनिट है फ्लक्स डेंसिटी की। फ्लक्स डेंसिटी की एसआई यूनिट है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर WEBER वेबर इज एसआई यूनिट, वेबर इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वेबर इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर है और वेबर पर मीटर स्क्वायर जो यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। एक टर्म होता है गिलबर्ट। गिलबर्ट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी MMF। गिलबर्ट किसकी यूनिट है? गिलबर्ट यूनिट है मैग्नेटोमोटिव फोर्स की, ठीक है। सीजीएस यूनिट है ये, गिलबर्ट सीजीएस यूनिट है मैग्नेटोमोटिव फोर्स की। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड।
रेजिस्टेंस की ओम, इंडक्टेंस की हेनरी, कैपेसिटेंस की फैराड, इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी यूनिट होती है ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी यूनिट होती है ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन दोनों की यूनिट होती है ओम, इंपेडेंस की यूनिट होती है ओम, एडमिटेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स, इंपेडेंस की यूनिट होती है ओम, एडमिटेंस की यूनिट होती है ओम इनवर्स, और एक टर्म होता है ससेप्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स या महो या साइमन, ओम इनवर्स या महो या फिर साइमन, यानी ओम इनवर्स को महो या साइमन लिख सकते हो। ऐसे ही कंडक्टेंस की यूनिट भी यही होती है, सेम ओम इनवर्स या महो या साइमन, एडमिटेंस की भी ऐसे ही ओम इनवर्स या महो या साइमन। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, पावर की यूनिट अगर आप देखोगे तो एक्टिव पावर या पावर की यूनिट तो वाट या किलोवाट, कुछ ऐसे होता है। एक्टिव पावर की यूनिट होती है वाट, कहाँ आ रही समझ में? रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है आपकी ओम मीटर, और रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स को महो लिख दो, ओम इनवर्स को महो लिख दो। मीटर इनवर्स को पर मीटर, महो पर मीटर, ओम इनवर्स को महो, मीटर इनवर्स पर मीटर, महो पर मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसकी यूनिट है? ये भी एनर्जी की यूनिट है। एक्टिव पावर की यूनिट क्या है? एक्टिव पावर को पीछे बैक करते हैं, एक्टिव पावर की यूनिट है वाट, रिएक्टिव पावर की यूनिट है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और अपरेंट पावर की यूनिट है वोल्ट एम्पियर। ये यूनिट्स आपको इतनी याद रखनी है। ठीक है, बोलो याद रहेंगी? गिलबर्ट एमएमएफ की यूनिट है, लिखा तो है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल यूनिट्स थी जो आपको याद रखनी है, जैसे डाइन है, अर्ग है, टेस्ला है, वेबर है, गिलबर्ट है, एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, बाकी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस, एडमिटेंस, ससेप्टेंस, कंडक्टेंस, करंट, वोल्टेज एंड पावर, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की है, एक्टिव पावर की वाट, रिएक्टिव पावर की वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव अपेरेंट पावर की वोल्ट एम्पियर। ये कुछ यूनिट्स थी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, मैंने लिख दिया। इलेक्ट्रिकल के टर्म्स थे ज़्यादातर ये, ये अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच डिप्लोमा या बीटेक आपने किया है तो ये चीज़ें आप काफ़ी काम आएंगी। चलिए ठीक है, फिर आज की कहानी यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाकी अगर आप एसएससी कैटेगरी में जाके सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। रेफरल कोड आप क्या यूज करोगे? आर के वर्मन। यू विल गेट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड यू विल बी कनेक्टेड थ्रू मी। आप मेरे साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। जेई की कैटेगरी में आपको लेना है तो भी ले सकते हो आप आर के वर्मन कोड से, ये फीस है आपकी। और अगर आप एसएससी कैटेगरी में लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो आप, ये पीसी एसएससी की कोड आपके पास आज के वन वन है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।